खरगोन शहर के शासकीय महाविद्यालय में 25% सीटों की बढ़त को लेकर विद्यार्थियों ने चक्का जाम किया था। बाद उसके 6 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें सुबह से ही विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में प्रवेश फॉर्म लेकर दिखाई दिए। इस दौरान विद्यार्थियों का मानना था कि अधिकांश विद्यार्थियों के कम प्रतिशत हैं, वहीं महाविद्यालय में अधिक प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने पूरे मामले का खुलासा करके बताया है कि दिए गए प्रवेश पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर हो रहे हैं। वहीं अब जो प्रवेश हो रहे हैं वे 25% बढ़ोतरी वाली सीटों के लिए होना है। मीडिया से रूबरू प्रबंधन ने पूर्व में विद्यार्थियों के चक्का जाम और आरोप पर यह बताया कि प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे अभी एडमिशन लेना बताया गया है आदेशों में, और विद्यार्थियों का आरोप है कि यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर उनको एडमिशन दिए जा रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया पिछले 3 महीने से चल रही है, नियमानुसार एडमिशन दिए गए हैं। अभी पुरानी सीटों पर यह प्रक्रिया पहले 31 तक कंप्लीट हो चुकी है, और आज से जो एडमिशन हो रहे हैं वो बढ़ी हुई सीटों पे हो रहे हैं, जिसमें हमने आर्ट्स फैकल्टी में 25% सीटें बढ़ाई है और साइंस में आर्ट्स और कॉमर्स में 25% और साइंस में 15% है। और यह जनभागीदारी समिति की बैठक में निर्णय लेकर के विद्यार्थियों के हित में ये बात करी है। पहले जहाँ तक पहले आओ पहले पाओ का प्रश्न है कि प्रक्रिया को लंबे न खींचते हुए जल्दी से ये प्रक्रिया ख़त्म हो, ताकि जिन बच्चों के एडमिशन हो गए उनकी अच्छे से पढ़ाई हो। इसी क्रम में आज है और सारे बच्चे आए हुए हैं, और कोई एक व्यवस्था देनी है और उस व्यवस्था के तहत जो है शांतिपूर्ण एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है। धन्यवाद। बच्चे सर सुबह 6 बजे से आ गए, कुछ बच्चे जो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर, लेकिन उनका कहना है कि हमारा कोई मतलब नहीं सुबह से आने का। मैं इस कॉलेज या बच्चे कुछ गलत समझ रहे हैं? हाँ, आदेश को अब बच्चे अपने हिसाब से, बच्चे तो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी समझ सकते हैं। मैं कॉलेज में आज परीक्षा भी थी और 7 बजे से यहाँ उपस्थित हूँ। 10 बच्चे आए थे, हमने उनको कहा कि प्रक्रिया 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगा, 11 से 1 के बीच में आप आइए और नियमानुसार आपके एडमिशन करेंगे। सर इसके पहले भी अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे छात्र संघ द्वारा चक्का जाम किया गया था, और कॉलेज प्रशासन पे आरोप लगाया गया था कि प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही एक बच्चे का, कम प्रतिशत वाले बच्चे का एडमिशन कर लिया गया है। 3000 बच्चों का एडमिशन दिया है, और उसमें उन्हें एक ही बच्चे के लिए आरोप लगाया जिसका रात में 8 बजे स्पेशल एडमिशन किया गया। ऐसा नहीं होता है रात को 8 बजे सर। आदेश की कॉपी उनके पास थी, उनने जो हमको पत्र दिया है वो ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारे हायर अथॉरिटी को गया है, उसकी जांच हो जाएगी और उसका एडमिशन निरस्त तो अभी हो जाएगा, लेकिन यदि प्रक्रिया में किसी ने गलती की है तो हायर अथॉरिटी जांच करेगी, और जो भी यदि दोषी होगा उसको दंडित करेगा नियमानुसार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।